क्या हम डायबिटीज़ में बियर पी सकते हैं? डायबिटीज़ में बियर हम पी सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ की गई थी, जैसे एक स्टडी की गई थी चाइना में, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ईस्ट में, उसमें ये देखा गया अगर हम ड्रिंकिंग को मॉडरेशन में या बहुत ही लाइट ड्रिंकिंग रखते हैं, दैट इज़ नॉट मोर देन 1 or 2 drinks पर डे, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। बियर जो है वो हमारी लिवर के साथ कंपीट करता है ग्लूकोज फॉर्मेशन की पोटेंशियल से। अगर हम बियर पी लें तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। ये मैंने अपने पुराने वीडियो अल्कोहल एंड डायबिटीज़ में बताया था कि बियर पीने या फिर अल्कोहल पीने के बाद हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन हो सकती है, मतलब आपका इंसुलिन लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है बॉडी में। एंड अगर आप डायबिटीज़ की मेडिकेशन या फिर इंसुलिन ले रहे हैं तो फिर और भी चांसेस हैं कि आपका ब्लड शुगर बहुत ही लो हो जाए। ड्रिंकिंग के 24 आवर्स तक ये पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए अपने मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को जब भी आप ड्रिंक करने का सोच रहे हैं। कितनी अल्कोहल हमारे लिए सेफ होती है? तो डायबिटिक पेशेंट हो या नॉन डायबिटिक पेशेंट हो, रिकमेंडेशंस यही बोलती है कि एक बार में या एक दिन में नॉट मोर देन 1 drinks फॉर फीमेल एंड नॉट मोर देन 2 drinks फॉर मेल्स के लिए ये रिकमेंडेड क्वांटिटी है ऑफ एल्कोहल कंजप्शन। अगर आप बिंज ईटिंग करते हैं या बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, यानी कि आप टीवी देखते देखते बियर पीते जा रहे हैं, 3 से 4 drinks हो चुके हैं, तो ये बहुत ही अनसेफ माना जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी, एज वेल एज जो नॉर्मल पीपल है, पॉपुलेशन है, उनके लिए भी ये बहुत ही अनसेफ माना जाता है। अगर हम बियर की बात करें तो एक कैन या फिर एक छोटी बियर की बॉटल में 12 ounces होती है, लेकिन जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमें जो ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं वो 12 ounces की होती हैं, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी स्मॉल वन, दी स्मॉल कैन्स। अगर हम वाइन या फिर अदर अल्कोहल से कंपेयर करें तो बियर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसकी कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी डिपेंड करती है कौन से टाइप का बियर आप पी रहे हैं। और बियर की जो बॉटल आती है यूजुअली उसमें लेबल्ड न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें नहीं लिखी होती है, तो इसलिए ये जानना कि कितना कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन हो गया या कितना शुगर कंजप्शन हो गया वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन केसेस ऑफ बियर। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हमें नो मोर देन 1 drink फॉर फीमेल्स एंड नो मोर देन 2 drinks फॉर मेल्स होना चाहिए। जब भी आप डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है आफ्टर अल्कोहल, तो आपको अपना मॉनिटर करना है अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड आफ्टर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ना बढ़े, इसीलिए अल्कोहल को खाली पेट ना लें, कुछ खाने के बाद ही इसका कंजप्शन करें, नहीं तो आपको हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बिंज ईटिंग या बिंज ड्रिंकिंग नहीं करनी है, मॉडरेशन में इसको पीना है। और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, क्योंकि इसकी वजह से एक इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया और ठीक से प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं। तो याद रखें कि एक बियर की सर्विंग में 12 आउंसेस होता है, तो इसलिए हमेशा लाइट बियर पिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें नहीं होगी, तो अपनी बियर कैन को छोटा रखें, प्लस कि बियर की न्यूट्रिशनल वैल्यू को आप पता कर पाएं, और उसके साथ साथ जो भी आप स्नैकिंग कर रहे हैं उसको भी मॉडरेशन में रखें, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट नहीं खाना है। अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते रहना है और बहुत ही कॉन्शियसली अपनी ड्रिंकिंग हैबिट को आपको रखनी होगी, एंड इट विल बी बेनिफिशियल अगर आप अपना डायबिटीज़ मैनेज करना चाहते हैं बियर के साथ, तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें ताकि आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट मिल पाए और आप ठीक से प्लान कर पाएँ। आई होप मेरा ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।